क्या हार्वेस्टिंग करेंगे एक ये है, एक है। ओ पत्ता ही टूट गया देखो गोल गोल घुमाने चाहिए ना ये एक एक ये तो इजीली टूट गया ये कैमरे में ना छोटे छोटे लग रहे वैसे तो बड़े बड़े ना। सारे बैंगन निकाले और हमारे फोन भी खिल रहे हैं काफी दो तीन और वहाँ पे भी थोड़े बहुत रख तो भाई गाइज अब मैं चलता हूँ स्कूल। तो देखिए गाइज ये ना इतने सारे बैंगन निकल गए हमारी एक टाइम की सब्जी निकल गई है और एक ही पेड़ से निकले हैं ये देखिए आज की मॉर्निंग तो गुड हो गई ये देखिए तीन तीन फूल भी खिल रखे हैं और सब्जी भी निकल गई है तो फ्रेंड्स अब मेरा बेटा चला गया है स्कूल और अब मैं बनाने लग गई हूँ सब्ज़ी आलू बैंगन की मेरे हस्बैंड टमाटर लाए थे तो मैं उनको भी रख रही हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी ये आलू बैंगन की सब्जी बन के रेडी हो गई है बहुत टेस्टी होती है अगर आपने कभी हरे बैंगन की सब्जी नहीं खाई है तो एक बार बना के ज़रूर खाइएगा बहुत टेस्टी होती है और दूसरी तरफ मेरी रोटी भी बन के रेडी हो गई थी मैं बीच बीच में ना सूट कर रही थी और रात को मैंने पनीर बनाई थी तो वो भी बची थी थोड़ी बहुत ये देखिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग प्रणाम नमस्ते जय माता दी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं और मैं आ गई हूँ नहा धो के मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने मशीन लगाई और आज की मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है मेरे गमले में आपने जैसे कि देखा होगा कि तीन गुलाब के फूल खिले हैं जब जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं मॉर्निंग अच्छी हुई है तो आप लोगों के लिए भी अच्छी वीडियो लाई जाए तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रही से मक्खन बनाने का फुल प्रोसेस वीडियो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट किसी ने करी थी उनका नाम क्या था वो मैं भूल गई हूँ लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉमेंट जरूर करिए कि आ, कौन थे आप और आपको मेरा ये मक्खन बनाने का प्रोसेस कैसा लगा उन्होंने कहा था कि रही से मक्खन बनाने का फुल प्रोसेस वाला वीडियो शेयर करिए तो मैं कोशिश करूँगी कि रही से मक्खन बनाने का फुल प्रोसेस और साथ में मैं घी बनाने तक का पूरा वीडियो इसमें शूट करूँ पॉसिबल हुआ तो, तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहे वीडियो में तो फ्रेंड्स हम जब भी मक्खन बनाएं तो हमें मलाई को आधा घंटे या पंद्रह बीस मिनट पहले बाहर निकाल देना है प्लेटफॉर्म में फ्रीज से क्योंकि हम फ्रीज में स्टोर करते हैं और दूसरा टिप्स जो है वो ये होना चाहिए कि जिस बर्तन में भी हम उसको मथेंगे वो बर्तन थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए ताकि हम मथने से जब भी मक्खन बनाते हैं तो वो मक्खन ऊपर निकलता है उसके छींटे बाहर आते हैं तो अगर ऊंचा रहेगा बर्तन तो उसमें छींटे ज़्यादा नहीं आएंगे फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे एक कप के बराबर मैंने पानी डाला है जिस बर्तन में मैंने मलाई जमा कर रखी थी उसी बर्तन में मैंने एक कप पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है और अब हम मक्खन को मथना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स आप कुछ देर में देखोगे कि मक्खन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा जैसे कि दूध होता है इस तरह से पतला हो जाएगा उसमें एक भी गुठली नहीं रहेगी ये देखिए फिर थोड़ी देर अगर आप चलाएंगे पाँच से छः मिनट तो आप देखेंगे मथनी नीचे हमारी लगने लग गई है यानी मक्खन का बनना स्टार्ट हो गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे मक्खन के कण आपको दिखाई देंगे उसके बाद आप दस पंद्रह मिनट और इसको मथेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा ये देखिए मैं मथनी को ऊपर कर रही हूँ तो एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रहा है एकदम जैसे दही होती है ना गाड़ी वाली वैसा हो जाएगा तो उस टाइम आप समझ लीजिए मक्खन निकलने ही वाला है तो आप कुछ ही देर चार से पाँच मिनट चलाएंगे तो आपका मक्खन बन के रेडी हो जाएगा कभी एक से डेढ़ मिनट में भी हो जाता है तो अगर आप मथनी को चलाते चलाते थक गए हैं तो आप इस तरह से एक हाथ से गोल भी घुमा सकते हैं लेकिन ये लास्ट में स्टेप करना है आपको और आपका मक्खन बिल्कुल बटर मिल्क से मट्ठा जो भी आपके यहाँ बोलते हैं उससे अलग हो जाएगा और एकदम दानेदार मक्खन आपका बनेगा जो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा अब मक्खन को हम इस तरह से निकाल लेंगे और तीसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मक्खन को आपको अच्छे से पानी से धोना है अगर आप मक्खन को धोएंगे नहीं तो आपका जो घी है वो साफ़ और दानेदार नहीं बनेगा और फ्रेंड्स चौथी चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये कि मक्खन को बना के तुरंत नहीं पिघलाना है आपको तुरंत घी नहीं बनाना है या तो आप एक दिन बाद बनाइए फ्रीज में रख दीजिए या तीन से चार घंटे फ्रीज में रख दीजिए उसके बाद उसका घी बनाएंगे तो बहुत साफ घी बनेगा और ज़्यादा भी घी बनेगा तो फ्रेंड्स अभी भी अगर आपके मन में डाउट है और आप और ट्रिक जानना चाहते हैं जिससे कि आपका मट्ठा कड़वा ना हो घी अच्छा बने तो आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट करें रेनू रेसिपी एंड लाइफ स्टाइल को उसमें इसकी फुल प्रोसेस वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ और कल मैं फिर से डालने वाली हूँ जिसमें मैं एक एक ट्रिक आपको बताऊँगी तो उस चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा तो फ्रेंड्स इस तरह से घी बनाने में आपका मेड़ा बहुत कम निकलेगा घी बहुत ज़्यादा निकलेगा और इस महीने से भी आप काफ़ी रेसिपी बना सकते हैं फ्रेंड्स आज मैंने ना रोटी बनाई है आ, क्या बोलते हैं दोपहर में और मेरा बेटा आने वाला है क्योंकि सब्जी रह रखी है सुबह की फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून बेटा आने वाला है मतलब दो बज गई तो मेरा बेटा आने ही वाला होगा बस जस्ट गेट पे तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ जब भी मैं अपने बेटे का या अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती हूँ तो मैं यहीं पर बैठती हूँ मैंने बना ली है रोटी आज दिन पर हमने चावल नहीं बनाए क्योंकि सुबह जो मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी ना वो ज़्यादा हो गई थी और मतलब नेगी जी एक कटोरी ऑफिस ले गए बाकी सारी सब्जी वहीं बची है क्योंकि सुबह हमने ना नेगी जी आज लेट गए तो हमने नाश्ता जो किया ना रात में मैंने पनीर बनाई थी और रात की पनीर बची थी तो हमने वो लिया था नाश्ते में और मेरे बेटे को बैंगन पसंद नहीं है तो उसने बोला था कि मम्मी मैं भी पनीरी ले जाऊंगा स्कूल तो उसको भी मैंने टिफ़न में रोटी बनाई और पनीर दी थी तो अभी मैंने ना रोटी बना रखी है और आज चावल नहीं बनाए तो गढ़वाली पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा चावल ना खाओ तो ऐसे लगता है कि आज तो हमने कुछ खाया ही नहीं तो अभी नेगी जी का लंच में फ़ोन आता है ना तो मैं बोली उनको मैं रात को चावल बनाऊंगी अभी से तो बोले मुझे इसी बात से हँसी आ रही तो बोले नहीं नहीं बनाना रात को चावल मुझे खांसी हो रही है रात को चावल नहीं खाना मतलब हम लोग रात को चावल नहीं खाते हैं बहुत सारी जगह खाते हैं लेकिन हम लोग कम खाते हैं जो ड्यूटी वाले रहते होंगे वही खाते होंगे हम तो कम ही खाते हैं बट कभी कभी मेरे को तो तीनों टाइम दे दो चलता है तो मैं बोली थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी गांव के चावलों से अच्छी होती है ना मैंने कहा आपके लिए रोटी बना लूँगी तो वो बोलते कि नहीं सब लोगों के लिए एक चीज़ बनेगा तो अभी देखते हैं क्या बनता है रात की रात में देखेंगे फिलहाल तो मैं आ, अपने बेटे को लेने जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पर्दों पे प्रेस तो फ्रेंड्स पर्दे लंबे होते हैं ना तो मैं यहाँ बिस्तर में कर रही हूँ और पहले अच्छे से उनको फोल्ड कर रही हूँ उसके बाद प्रेस कर रही हूँ और देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से मैं प्रेस कर रही थी लेकिन जैसे ही मैंने एक तीन पर्दे थे ना बहुत बड़े बड़े पर्दे हैं ये एक पे करी जैसे ही लाइट चली गई तो फिर तो मैंने छोड़ दिया अभी हो गया है शाम का टाइम शाम के साढ़े पाँच या छः बज रही होंगी मैंने टाइम देखा नहीं है तो मेरा बेटा जा रखा है ट्यूशन तो मैंने सोचा कि बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं आज मशीन लगाई थी तो प्रेस कर लेती हूँ सारे कपड़े जब मैंने प्रेस कर लिए तब देखा मैंने कि पर्दे तो करे ही नहीं प्रेस पर्दे तीन चार दिन से निकाल रखे हैं जब से किचन साफ़ किया और मैं जैसे ही पर्दे परेस करने के लिए लाई एक पर्दे पे प्रेस करी तब तक लाइट चली गई तो मेरे पर्दे यहाँ ऐसे तई लगा के जैसे मतलब प्रेस थी उन पर वैसे ही तई लगा के मैंने बिस्तर में रखी है और अब जैसे ही लाइट आएगी तो मैं ऐसे ऊपर से इन पे प्रेस मार दूंगी तो आप भी ऐसे करा करिए बहुत अच्छे लगते हैं पर्दे देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे कर रखे हैं देखिए फ्रेंड्स पर्दे बड़े होते हैं ना तो मैं यहाँ बेड में ही प्रेस करती हूँ इनको ये देखिए इस वाले पे प्रेस हो चुकी है ये आपको दिख रहा होगा अच्छी सी लाइन दिख रही है उसकी और इस पे और इस पे नहीं हुई तो मैंने इस तरह से रख दिए हैं बहुत लंबे हैं इसलिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखे जैसे ही लाइट आएगी तो इन पर मैं ऊपर से प्रेस मार दूँगी और फिर हम लगा देंगे क्योंकि किचन के पर्दे हैं ये और किचन और जो डाइनिंग एरिया है वो ओपन है तो बिना पर्दों के अच्छा नहीं लगता है तो ये देखिए आप भी इस तरह से ज़रूर करिए पर्दों पे प्रेस बहुत अच्छे लगते हैं और ये पर्दे ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि ये पर्दे मैं न कमरों के लिए भी मंगाऊँ बहुत अच्छी साइन है इन पर ये देखिए ये मैंने खुद से बनवाए थे फ्रेंड्स जब तक लाइट जा रखी है तब तक हम और काम कर लेते हैं बाहर देख लेती हूँ मैं अगर पानी खुला होगा तो गमलों में मैं पानी डाल लूँगी और परसों जब से मेरे को होवंडी हुई है ना तब से मेरे पता नहीं क्यों चाय पीने का मन नहीं कर रहा है मैं हर व्लॉग में अपने चाय की जिक्र करती थी तो शायद आप लोग उब गए मेरी चाय देख देख के तो मेरा ना सुबह भी और शाम को भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा है मतलब चाय के नाम से ही उल्टी आने को हो रहा है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है तो अभी ना मैंने अपने बेटे के लिए दूध बनाया था तो अपने लिए तू सी चाय बनाई थी पी लेकिन अजीब सा हो रहा है पीने के बाद तो चलिए बाहर देख लेती हूँ पानी खुला होगा तो पौधों में डाल लेते हैं राइस पानी तो खुला नहीं है तो मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ उसके बाद मेरे बेटे का आने का टाइम हो जाएगा तो उसको लेने चली जाऊंगी तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए नेगी जी ने बोला कि हाँ खिचड़ी ही बना लो क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है परसों हमने ना गांव के चावलों की इस तरह से खिचड़ी बनाई थी बहुत टेस्टी हो रही थी तो मैंने बताया था उनको तो बोले कि मैं भी खाऊँगा तो ये देखिए मैंने प्याज ले रखा है एक और लहसुन ले रखी हरी मिर्च ले रखी और टमाटर ले रखा है और पीली दाल ले रखी है मैंने और गांव के चावल ले रखे हैं डेढ़ कटोरी चावल ले रखे हैं आधा कटोरी पीली दाल ले रखी और ये लहसुन देखिए कितनी बड़ी बड़ी है एक लहसुन की कली निकालो ना तो आपका एक बार की सब्जी के लिए हो जाता है ये फोन में छोटी लग रही लेकिन है बहुत बड़ी है भी तो ये सत्तर रुपये के की, की पाव है सत्तर रुपये की पाव है और ये देखिए सारी तैयारी तो हो गई है अब मैं दाल चावल धो लेती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दाल चावल अच्छे से धो लिए हैं दो तीन पानी में और अब बना लेते हैं हम खिचड़ी तो फ्रेंड्स मैं खिचड़ी ना लिक्विड ही नहीं बनाती हूँ मैं सूखी सूखी बनाती हूँ वही अच्छी लगती है चटनी के साथ या दही के साथ तो ये मैंने चावल भून लिए हैं अच्छे से पहले लहसुन डाला अदरक डाला फिर प्याज़ डाला फिर टमाटर डाले सारे मसाले डाले और फिर दाल चावल डाल के अच्छे से भून लिया ये देखिए तो मैंने अभी ये तेल में भूना है उसके बाद ऊपर से मैं घी डालूँगी इसमें अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो फ्रेंड्स जैसे हम चावलों में डालते हैं ना पानी उतना ही पानी डालूँगी मैं इसमें और अब मैं इसकी ढक्कन लगा लूँगी इसका और सीटी लगा लूँगी इसमें दो तो फ्रेंड्स लाइट तो तब से आई नहीं थी तो उसके बाद मैं चली गई थी ऋषि को ट्यूशन लेने और नेगी जी भी आ गए थे मैंने पूजा करी थी जब तक नेगी जी भी आ गए थे तो नेगी जी कर रहे हैं प्रेस क्योंकि मैं स्टैम बना रही थी खिचड़ी तो ये देखिए इस तरह से प्रेस मार दी उन्होंने उन्होंने बोला कैसे करनी है प्रेस मुझे बता दो आप एक बार तो मैंने बता दिया था ऐसे करके प्रेस लगा दीजिए इस पर और उसके बाद हम ये पर्दे अब लगा देंगे क्योंकि बहुत दिनों से बिना पर्दे का अजीब सा लग रहा है तो ये देखिए एक पे कर दी उन्होंने फटाफट ये दूसरे पे भी कर लेंगे एक पे तो मैं कर लींगी देखो ऋषि को कितनी गर्मी हो रही है पढ़ाई कर रहा हो और बनियान में अभी ट्यूशन से आया तो कपड़े निकाल दिए उसने फ्रेंड्स आज का दिन हमारा इस तरह से गया कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बाय बाय जय माता दी